देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज। और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। समाज सेवा को समर्पित है एक आश्रम, गुरु के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं स्वामी करणपुरी जी महाराज। मानव सेवा की जीती जागती मिसाल है महंत श्री बाबा बालकपुरी डेरा। समाज सेवा को समर्पित एक आश्रम, महंत श्री बाबा बालकपुरी धाम, गुरु के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं स्वामी करणपुरी जी महाराज। आपको बता दें, रोहतक का पूरी धाम मानव सेवा को पूरी तरह समर्पित है। पूरी धाम समाज सेवा के लिए सदैव आदरणीय रहता है। समाज सेवा को लेकर पूरी धाम में स्वास्थ्य सेवा, धर्मशाला, कावड़ शिविर जैसे कार्य किए जाते हैं। पूरी धाम के इन कार्यों को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आगे बढ़ाते हुए सराहा है और एक बड़े पार्क का उद्घाटन किया। यह आश्रम के लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा बालक पूरी धाम लगातार समाज सेवा व मानव सेवा के कार्यों में लगा रहता है। आइए दर्शन कराते हैं आपको बाबा बालक पूरी धाम के। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी की इस कवरेज में और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन। आज हम पहुंचे रोहतक में और रोहतक में एक बहुत ही बड़ा डेरा है, बहुत ही फेमस डेरा है। यहां पर बात करें महंत श्री बाबा बालकपुरी जी डेरे की और यहां पर हम पहुंचे टीम के साथ और आपको दिखाना चाहेंगे कितना भव्य ये आश्रम है और इसके साथ साथ सामाजिक कामों को कितने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है ये डेरा, ये भी हम दिखाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि बाबा जो होते हैं, जो साधु होते हैं, वो सिर्फ अपने धर्म से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जीती जागती मिसाल है ये डेरा कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं डेरा और समाज का भलाई कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। यही दिखाने के लिए हम अपने दर्शकों को अब लेके जा रहे हैं डेरे में। जो डेरा है, डेरे ने एक औषधालय भी बनाया है और उसी औषधालय में यहाँ पर लोग आते हैं अपना इलाज कराने। और हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे साथ इस डेरे के जो संचालक है या यूँ कहा जाए कि स्वामी जी हैं, सबसे पहले स्वागत है स्वामी जी आपका। जी, आप सबका कंचन टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने रोहतक में आकर के इस डेरे की जो भी महिमा को बताया, इसके लिए मैं कंचन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और ये जो आपने अभी गुरु लोगों की असीम कृपा से, स्वामी बालकपुरी महाराज जी का असीम कृपा से जो डेरा है, 1956 में स्वामी चेतनपुरी जी महाराज जी ने इसकी स्थापना करी थी। और जो स्वामी चेतनपुरी जी थे वो स्वामी धर्मपुरी जी के शिष्य थे, जिनका हमारे पास पाकिस्तान से जो हमारे गुरु लोग आए थे। स्वामी धर्मपुरी जी के दो शिष्य थे, स्वामी रामपुरी जी, स्वामी चेतनपुरी जी। और चेतनपुरी जी ने यहाँ पे आकर के अपना धुना लगा लिया 1956 में। तब से बताया जाता है कि यहाँ पर समाधि भी है। जी जी जी, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को उस समाधि पर लेके जाएंगे, दिखाएंगे और उसके बाद स्वामी जी से हम जानेंगे पूरी कहानी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा स्वामी जी, डेरा है, डेरे को धर्म से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन आपने डेरे को समाज सेवा से जोड़ा है। एक औषधालय यहाँ पर बनाया है, धर्मशाला यहाँ पर है, और भी सामाजिक कार्य, कावड़ के सेवा करनी हो, कावड़ियों के लिए शिविर लगाना हो, और भी कौन कौन सी सेवाएं आप करते हैं, सब सामाजिक कार्यों के बारे में जानना चाहूँगा। जी जी, जो भी जितना भी ये सामाजिक कार्य होता है, ये गुरु जी की असीम कृपा से, उनकी अनुकंपा से और भक्तों के अथक सहयोग से होता है। जैसे समय समय पर, ये 2023 जून 2013 को उस धाले की यहाँ पे ओपनिंग हुई, जिसके अंदर सिर्फ एक मेडिसिन का और एक लेबोरेटरी का उद्घाटन हुआ। उसके बाद
गुरु जी की असीम कृपा हुई, फिजियोथेरेपी भी यहाँ पे खुली, डेंटल भी खुला, डिजिटल एक्सरे भी खुले, ये सभी गुरु जी की कृपा से और भक्तों के अथक सहयोग से ही पूर्ण हो पाया जी। बिल्कुल। हाँ, दिखाना चाहूँगा यहाँ पर स्वामी जी को, कहूँगा मैं दिखाएं खुद हमारे दर्शकों को। ये हमारे डॉक्टर जी का एक रूम है। जी जी, ये यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं मेडिसिन के, और सुचारू रूप से जो इस डिस्पेंसरी के अंदर हर महीने एक फ्री चेकअप कैंप भी लगाया जाता है। डिस्पेंसरी नहीं, कोई भी जैसे अपना नाम लिखवा जाता है, कोई संस्था लिखवा जाती है, कोई ट्रस्ट लिखवा जाता है, तो यहाँ से पूरी टीम जाती है, जैसे ऑर्थो के, आई के, डेंटल के, फिजियो के, मेडिसिन के। और इस 2013 से जब से ये डिस्पेंसरी बनी है तब से यहाँ पे दवाई फ्री दी जाती है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सामाजिक कार्य है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर सरकार की ड्यूटी बनती है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन कुछ जागरूक संस्थाएं हैं, कुछ डेरे हैं, कुछ स्वामी जी जैसे जागरूक लोग हैं जो चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं वो भी उपलब्ध कराएं। यहाँ दिखाना चाहूँगा मशीन है, डॉक्टर साहब यहाँ पर आज संडे है नहीं है, बट दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आँखों की मशीन जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होती है, वो मशीनें यहाँ पर रखी गई है और फुल चेकअप यहाँ पर होता है जी। इसके अलावा यहाँ पर लेबोरेटरी भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैब। स्वामी जी, ये लैब है, यहाँ पर कौन कौन सी जांच होती है? यहाँ पे सुचारू रूप में जो भी हमारे के शरीर की जो भी मुख्य जांचें हैं वो सब बाजार से बहुत कम, यानी कि एक निष्काम भाव से यहाँ पे सेवा की जाती है, उनके पूरे टेस्ट होते हैं। यहाँ पर मरीजों से किसी तरह की कोई फीस ली जाती है? जी, जिसके अंदर हम 20 रुपए की पर्ची लेते हैं, 3 दिन की दवाई फ्री लेते हैं। आप 20 रुपए की एक नाम मात्र की पर्ची, नाम मात्र दवाइयाँ फ्री दी जाती है। टेस्ट का सर जैसे बाहर 50 रुपए का है, वो यहाँ 10 रुपए का है। बिल्कुल बिल्कुल, देख बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही नॉमिनल सी एक चार्ज रखा गया है, और सेवा सेवा ही इनका मेन मकसद है, बाकी तो सब पर्ची एक नाम मात्र रखी गई है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ आकर सेवा कर सके। दिखाना चाहूँगा मैं दर्शकों को, यहाँ पर मेडिसिन भी रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी मेडिसिन है जो मरीजों को मुफ्त दी जाती है। हाँ, सभी है, देख सकते हैं सभी बढ़िया, बड़े ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है। ये नहीं है कि बहुत ही हल्की दवाइयाँ या हल्की कंपनी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता हो समाज सेवा के नाम पर। यहाँ पर डेंटल डिस्पेंसरी भी है स्वामी जी, इसके बारे जानना चाहूँगा, यहाँ पर किस किस तरह के इलाज किए जाते हैं? ये डेंटल है, ये भी सभी गुरु जी की कृपा से, जो भी कुछ है सब उन्हीं की कृपा से है। देखो यहाँ पे RCT वगैरह और जो भी रूट कनाल है, कुछ भी है, वो सुचारू रूप से सभी तरह के यहाँ पे, सभी तरह के जी 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 जी। कितनी फीस रखी है यहाँ पे सर? जैसे RCT लगा लो, 1200 रुपये की है, यहाँ 700 रुपये में हो जाती है। यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर भी डेरे के द्वारा संचालित किया जाता है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं और कैसे कैसे यहाँ पर इलाज किया जाता है। स्वामी जी, जानना चाहूँगा फिजियोथेरेपी सेंटर है आपका, किस तरह से इलाज किया जाता है? ये फिजियो के अंदर सुचारू रूप से जैसे टेंस है, इस तरह के, और अच्छे, मैं कह रहा हूँ अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो समय नहीं होता भाई डॉक्टर इतने, यानी कि एक वक्त में, अगर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँ, एक वक्त में यहाँ पर 4 पेशेंट को ट्रीट, 5 यहाँ पर 5 बेंच हैं और 5 टेबल हैं, यहाँ पर 5 पेशेंट को एक टाइम में देखा, एक अच्छी अच्छी यहाँ पर शुरुआत की गई है, अच्छा कार्य, एक सामाजिक कार्य या मानवता का कार्य काफ़ी डेरे के द्वारा किया जा रहा है। ये कैसे आया दिमाग में कि सामाजिक कार्य करने चाहिए डेरे को? ये सब एक मन के अंदर थोड़ी सी वो थी कि एक गुरु जी के नाम का एक उद्यालय खोलना है, तो उसमें देखो हम तो इतना पढ़ा भी नहीं, ये तो एक सुचारू रूप से एक डॉक्टर साहब से बात करी, तो उन्होंने इसके बारे में कहा भाई हम खोलेंगे, आप करिए। पहले लेबोरेटरी और मेडिसिन का खोला, उसके बाद सभी डॉक्टर्स जो भक्तों के थे भाई, अपने परिवार में कोई आया, बहू आए, जो कहते नहीं महाराज जी हम खोलेंगे, तो सुचारू रूप से जो स्टाफ पहले था वही स्टाफ अब तक वैसे है। अगर मैं बात करूँ आपके फिजियोथेरेपी सेंटर की, तो तकरीबन डेली यहाँ पर कितने पेशेंट को देखा जाता है, कितने को ट्रीटमेंट दिया जाता है? जो फिजियोथेरेपी के अंदर डेली कम से कम 17-18 पेशेंट डेली सुबह शाम को, जैसे। और डेंटल वाले? डेंटल वाले में यानी कि टोटल मिला के सभी औषधालय के अंदर
पूरे उजाले के अंदर 60-70 की ओपीडी है। 60-70 जी जी, जैसे 10-12 वहाँ पे, 5-7 वहाँ पे जी जी, कुछ वहाँ मिला के। बहुत अच्छी बात है, 60-70 ओपीडी यहाँ पर रहती है, यानी 60-70 लोगों की सेवा ये डेरा डेली करता है। और काफ़ी कितने वक्त से डेरा कर रहा है ये सब सेवाएँ? ये 2013 से ये जो डिस्पेंसरी खुली है, ये 2013 में 23 जून जी तब ये खुली है जी। 2013 से ये कार्य सुचारू रूप से जारी है और बदस्तूर वो चलता रहेगा, और शायद युगों युगों तक ये महाराज के नाम पर चलता रहेगा। बड़ी अच्छी बात है समाज सेवा के नाम पर। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं दर्शकों को कि एक्सरे सेंटर भी यहाँ पर है, डिजिटल एक्सरे यहाँ कराए जाते हैं, उसके बारे भी स्वामी जी हमें बताने वाले हैं। ये डिजिटल एक्सरे है और गुरु जी की कृपा से, जैसे बाहर एक्सरा होता है 300 रुपये का जी, यहाँ सिर्फ 150 रुपये लिया जाता है। और डिजिटल एक्सरे हैं, कोई ये भी नहीं कि भाई लोग धोखे देने। ओके, बिल्कुल। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था एक्सरे की भी है, यहाँ पे करा सकता है, बहुत अच्छी व्यवस्था एक डेरे के द्वारा। फिर से बिल्कुल पूरी धाम धर्मशाला, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया था, धर्मशाला का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। देखा जाता है सामाजिक कार्य करते हैं, धर्मशाला के लिए जगह दी है, धर्मशाला बनाई है। यहाँ पर आयोजन किस किस तरह के आयोजन किए जाते हैं यहाँ पर, और क्या फीस वसूली जाती है, ये सब हम जानने वाले हैं यहाँ पर। दिखाना चाहूँगा मैं दर्शकों को, यहाँ पर ऑफिस है धर्मशाला का, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से ऑफिस, यहाँ पर हर चीज़ को मेंटेन किया गया है। बढ़िया LCD यहाँ पर है, यहाँ सूचना के लिए स्पीकर भी किया गया है, फ्रिज भी है। अच्छा एक ऑफिस बनाया गया है ताकि यहाँ पर आने वालों को एक अच्छा अनुभव हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके साथ कालिदास जी हैं और साथ में कर्णपुरी महाराज जी भी साथ खड़े हैं, जो फिलहाल गद्दी नशीन हैं इस डेरे के। और यहाँ पर अभी हमें जिक्र हुआ था कि स्वामी बालकपुरी जी महाराज के नाम पर एक पार्क, जी हाँ, हरियाणा सरकार ने एक पार्क बनाया था, उसकी खुद ओपनिंग मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हुई थी। रोहतक के अंदर ये पार्क है और काफ़ी भव्य पार्क है। हम अपने दर्शकों को अगली बार उस पार्क में भी लेके जाएंगे, वो भी दिखाएंगे कि समाज सेवा या धर्म से जुड़ कर भी लोग बड़े 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 आसमान पर वो पहुँच जाते हैं और उनका सम्मान होता है। उनके रहे या ना रहे, उनका नाम युगों युगों तक चलता रहता है। और ऐसा ही किया है कर्णपुरी महाराज ने अपने जो उनके गुरु थे, जो उनके भगवान थे, उनको वो भगवान मानते थे, उनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया है क्योंकि उन्होंने समाज सेवा को, धर्म को सब अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। यही काम कर्णपुरी महाराज जी अपने कंधों पर लेकर कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। जूना अखाड़ा के पीठाधीश आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर इनके कामों को सराहा है। देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पर धर्मशाला का। स्वामी जी, अब आपसे जानना चाहूँगा किस तरह के आयोजन अनुष्ठानों को यहाँ पर आप जगह देते हैं, किन को आप ये देते हैं, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है धर्मशाला का? देखो जी, ये जो जगह, सबसे पहले तो गुरु जी की कृपा हुई जो ये जगह ली गई, सबके भक्तों की यात्रा सहयोग से किसी ने एक गई दी, किसी ने दो गई दी, किसी ने पाँच गई दी। पहले तो ये जगह ली, उसके उपरांत फिर ये बनने का गुरु जी की कृपा ही प्रयास किया, इसको बनाएंगे। फिर हरियाणा सरकार का, मनोहर जी का, आदरणीय हमारे मनीष जी ग्रोवर जी का बहुत अथक प्रयास है, जिन्होंने यहाँ पे पूरा अपना अच्छा योगदान दिया समाज ने, सभी भक्तों का जिनका अथक सहयोग है यहाँ पे। मैं पूरे सेवकों का, सरकार का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ जिनके अथक प्रयास से ये जन कल्याण के लिए। भाई ये नहीं है कि बाहर अगर लेंगे, कहीं प्राइवेट लेते हैं तो ये कुछ का लाख लाख रुपए ले लेते हैं, हम ओनली 31,000 रुपये लेते हैं जी। पूरा लाइट वाइट डीजल सब, फर्नीचर ये सब कुछ। यहाँ पर शादियाँ भी होती है, कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई कथा है, या कोई भी क्रिया वगैरह का कार्य है, वो सब यहाँ पर सुचारू रूप से, जैसे भी रोहतक में दुख सुख है, जैसे किसी की क्रिया है, किसी का बर्थडे है, किसी का कोई कथा रख जाता है यहाँ पे, कोई शादी है, सभी सुचारू रूप से जो प्रोग्राम होते हैं वो चलते हैं। फुली AC है यहाँ पर, और स्टेज भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्टेज यहाँ पर लगी हुई है। बहुत अच्छा काम है, सामाजिक काम है,
हर एक डेरे को, हर एक आश्रम को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहना चाहिए। यही सीख मिलती है पुरी धाम रोहतक का, जो पुरी आश्रम है। यहाँ पर हम मेन मंदिर में पहुँचे हैं, यहाँ पर स्वामी जी जानना चाहेंगे कौन से संत हैं। ये हमारे स्वामी गुरु महाराज, गुरु भगवान स्वामी चेतनपुरी जी महाराज जी हैं। 1956 में गुरु महाराज जी ने यहाँ पे आकर के अपने धुना लगाया था जी। तो जैसे अष्टमी आती है ना जी। तो एक भोरा है यहाँ पे, भोरे के अंदर बैठ के तपस्या करते थे। कैसे 40 दिन अंदर रहना, बाहर नहीं आना, 21 दिन रहना, इस तरह तपस्या करते थे। और जब अष्टमी आती है ना, अश्वचेत की नवरात्रे आते हैं, तो यहाँ पे हवन, जागरण और भंडारा होता है जी। तो हवन करने लगे, पंडित जी बोले गंगा जल दो, शुद्धि होगी तभी हम आगे चलेंगे। तो यहाँ गंगा जल नहीं मिला जी। कहते नहीं है, कहते हैं जाओ शहर में जाओ, एक आधा कोई बिरला ही करता, सारा जंगल होता था ये जी। तो एक वहाँ गए तो वहाँ भी उस घर में भी नहीं मिला। कहते जाओ भोरे में से ले आओ। तो प्रकट कर सुनो, अंदर गए, कहते हैं जाओ भोरे से ले आओ। भक्तों ने देखा भोरा, कहते महाराज जी भोरा तो खाली है। कहते नहीं आप चलो। फिर गुरु जी ने इसके अंदर चिमटा लगाया और गोटे गोटे जल हो गया। तब से गुरु महाराज जी ने, स्वामी बालकपुरी महाराज जी ने, अभी जहाँ हमने माथा टेका, उन गुरु जी ने इसको सिमटेड कर दिया भाई। बिल्कुल कम से कम 25-30 तक मिट्टी भी डली है, फिर भी जल अपने आप आता है और अपने आप ही चला जाता है। ये गुरु लोग के देखो, गुरु लोग इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त, इतना भजन का प्रताप जोड़ के गए हैं, जो हमारे वर्गे मेरे वर्गे उसकी एक ब्याज खा रहे हैं। गुरु लोग इतना तप करके हैं जिसकी आज हम डेरा। बिल्कुल यहाँ पर चमत्कार भी है, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। और काफी भव्य यहाँ पर भोरा है, वो दिखाना चाहूंगा। भोरा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जल, स्वामी जी कहाँ तक जल आ जाता है नवरात्र में? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जल अपने आप आ जाता है। जैसे कि दर्शक देख सकते हैं अभी सूखा है यहाँ पर, फर्श है, लेकिन नवरात्रों में बताया जाता है यहाँ पर जल आ जाता है। और अगले नवरात्रों में हम अपने दर्शकों को यहाँ पर जल होगा वो दिखाएंगे। तो आप देखते रहिएगा कंचन टीवी। कंचन टीवी के लिए कैमरामैन जोगिंदर बाबा के साथ मैं यशपाल कंचन।